का है, ये आप सबका है, ठीक है। आप सबको इसको संभालना है और आप सबकी अगुवाई में, आप सबके रहनुमाई में मैं अब्दुल राव सुमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो रिपिन कार्ड के डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह करें। नमस्कार, मैं रज़ा ईरानी, आप देख रहे हैं संतुलित न्यूज। इस वक्त हम जोगेश्वरी पूर्व नियर बाय माँ मेडिकल के पास उपस्थित है और आज द मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी डायग्नोस्टिक सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और कोलैबोरेशन ऑफ मॉडर्न यूथ के जरिए किया गया है। तो यहाँ पे हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो गरीब आवाम है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डॉक्टर सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके ज़रिए से? अस्सलाम वालेकुम, मुझे खुशी है कि आज हम एक और सेंटर का इफ्तिताह कर रहे हैं और ऐसी बस्ती में कर रहे हैं जहाँ का खबर पड़ी कि यहाँ मुतवस्सित तबके के लोग और गरीब लोग रह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस सेंटर से उनको फ़ायदा पहुँचेगा। हमारा मकसद ये मुस्लिम जज के कि हम जितने मेडिकल फील्ड में इन्वेस्टिगेशन तशखीस के तौर पर और इलाज के तौर पर हम कम से कम खर्च में लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, क्योंकि आज ये ऐसा पेशा हो गया कि इसमें लोगों का बहुत खर्च होता है। मैं तो कोशिश में हूँ कि अगर और पैसा आ जाए तो और चार्ज हम कम कर दें, हॉस्पिटल का चार्ज कम कर दें और मुझे उम्मीद है कि इस सेंटर से यहाँ के लोग फ़ायदा उठाएंगे। अगर यहाँ के लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं तो हमें और बड़ी जगह मिलती है, तो हम डायलिसिस सेंटर भी खोलेंगे, हम पूरा फुल फ्लेज में डायग्नोसिस सेंटर खोलेंगे, यहीं पर पैथोलॉजी की मशीन और सब रखेंगे। यहाँ फिलहाल हम कलेक्शन सेंटर है, एक्सरे होगा और ईसीजी और सोनोग्राफी बहुत जल्द। ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर का ओपनिंग हुआ है तो इसका मैसेज जो है आप यहाँ की आवाम को देना चाहते हैं कि और आस पास के बस्ती वालों को भी देना चाहते हैं? हमारे पूरे बस्ती वालों का, हमारा जो भी काम होता है बगैर किसी भेदभाव के होता है, मुस्लिम गैर मुस्लिम, हमारे स्टाफ भी जो है 40% नॉन मुस्लिम स्टाफ है। तो हमारे जो कुछ हो रहा है ये मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम आवाम के लिए है और हम चाहते हैं कि तमाम आवाम से फ़ायदा उठाए और हमसे सीख कर आज अल्लाह का फजल है कि बॉम्बे में कितने सेंटर कायम हो गए, जाली सेंटर कायम हो गए, डायग्नोस के पहले अल्लाह ने हमारे ज़रिए कराई थी मुस्लिम के ज़रिए, आज वो और फैल गया है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भी और शाखें निकलेंगी और लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है द मुस्लिम एम्बुलेंस डायग्नोस्टिक सेंटर कोलैबोरेशन मॉडर्न यूथ एसोसिएशन के ज़रिए खोला गया है, जो आसपास की जो गरीब आवाम है उनको जो है कम से कम लागत के अंदर उनका परीक्षण किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जोगेश्वरी पूर्व मेघवाड़ी के अंतर्गत मॉडर्न यूथ एसोसिएशन के संगठन के जो अध्यक्ष है साजिद शेख, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने इस डायग्नोस्टिक सेंटर का जो आज उद्घाटन किया है और वो यहाँ के आवाम को और आसपास के आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आप सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये हमारी जो बस्ती है ये पूरा बेसिकली स्लम इलाका है और यहाँ पे डेली हैंड टू माउथ कमाने वाले लोग हैं और आप देखेंगे अमूमन जो फैमिली में जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों का खिला पिला देती हैं, अपना बच्चों का इलाज करती हैं, शौहर का इलाज करती हैं, वो अपना खुद का इलाज नहीं कर पाती हैं। ऐसे काफ़ी महिलाएं और काफ़ी पुरुष मिलेंगे जो आपको अपने मेडिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके टेस्टेस इतने कॉस्टली होते हैं वो करा नहीं पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पिछले 20-25 सालों से देखते हुए आ रहे हैं, काफ़ी हमने जद्दोजहद की थी क्योंकि सेंटर सेटअप हो जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह साबू सिद्दीक हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के साथ में मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी की टीम ने हमारे साथ में आज ये डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया है। हमारा मकसद है कि जो बस्ती के गरीब तबके के जो लोग हैं जो हाई क्वालिटी के टेस्टिंग के लिए नहीं जा पाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए इनके चैरिटी लेवल पर हमने ये ऑर्गेनाइज किया है ताकि गरीब परिवार के लोग यहाँ पर अपना टेस्ट वगैरह करा सकें। और आसपास के लोग जैसे खास करके जो हिंदू कम्युनिटी है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या इसमें कोई भेदभाव वगैरह है? नहीं नहीं, ये हमारा जो सेंटर है सेंट मेरी स्कूल के कॉर्नर पे है जहाँ पर सभी समाज के लोग यहाँ पर आ सकते हैं और सभी समाज के लोगों का स्वागत है। ये हमने कहा कि ये गरीब लोगों के लिए है,
हमने ये नहीं कहा कि किसी जाति वर्ग के लिए है, ये जनता जो इस बस्ती की, इस मोहल्ले की, इस जोगेश्वरी की जनता जो परेशान है, महंगाई से परेशान है, दवाइयों से परेशान है, स्कूल के अखराजात से परेशान है, ऐसे लोगों को थोड़ी सी राहत देने का काम किया है। इस राहत के अंदर, इस गरीबी के ऊपर हमें कोई जात भेदभाव यहाँ पर नहीं है, सभी धर्म संभव है और सभी का यहाँ पर स्वागत होगा। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मॉडर्न यूथ संगठन है, उनके एक्टिव मेंबर है, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ये जो नए डायग्नोस्टिक सेंटर का ओपनिंग हुआ है, इसके बारे में यहाँ के आसपास के आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं यहाँ के आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनके लिए मॉडर्न एसोसिएशन की तरफ से और मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है। जो लोग अपने टेस्ट को लेकर के परेशान रहते थे, डॉक्टर की चिट्ठी लेकर के उसको फाड़ दिया करते थे पैसे उसके प्राइस पूछ करके, ये इंशाल्लाह उनको लेने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये यहाँ पर कम से कम जो दूसरी जगह पर होता है प्राइवेट में, उससे कम कीमत में यहाँ पर टेस्ट होंगे और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाए, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं उनकी ना सुने, बल्कि आप ये देखिए कि ये जो सेंटर है ये साबू सिद्दीक हॉस्पिटल के मातहत है और साबू सिद्दीक हॉस्पिटल एक बहुत एडवांस और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो उनके टेस्ट वगैरह वैसे ही होते हैं जैसे प्राइवेट्स के होते हैं, तो आप लोग उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। जी, मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी जो है उसके मातहत और मॉडर्न यूथ एसोसिएशन के कोलैबोरेशन से ये सेंटर शुरू किया गया है। जी, तो मुस्लिम सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और इससे पहले भी यहाँ पर सेंटर था लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह जितना मतलब वादा और जितना दिलासा इस बार डॉक्टर अब्दुल शुमार सर ने हम लोगों को दिया है, इससे पहले उन्होंने नहीं दिया था, वो बहुत खुश हुए हैं हमारी जो जिस तरह से हमने इसकी इफ्तिताह किया है और उन्होंने वादा किया है कि इसको हम और आगे लेकर जाएंगे। और इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, पैथोलॉजी पूरी यहाँ पर शिफ्ट करने का उनका इरादा है, एक डे केयर सेंटर शुरू करने का इरादा है उनका। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मॉडर्न यूथ एसोसिएशन की तरफ से यहाँ के बस्ती के लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश है। मुंबई से मैं रजा ईरानी, आप देख रहे हैं संतुलित न्यूज़।